हेलो एवरीवन माय माय नेम वेलकम टू किचन आज जिस रेसिपी के साथ आई हूँ वो है स्वादिष्ट नान कटाई की ओरिजिनल रेसिपी जी हाँ अगर आपने नान कटाई की ये रेसिपी देखी ना तो आप इसको बना करके मार्केट में बेच भी पाएंगे पांच से छह महीने ये बिल्कुल खराब नहीं होता ओरिजिनल रेसिपी इसलिए बोला क्योंकि अक्सर जो हम नान खटाई बनाते हैं उसमें अंदर जाली नहीं पड़ती आप नान खटाई को जब तोड़ते होंगे तो उसमें एक जाली पड़ती है एक छेद सा होता है वो जनरली हमारे घर के नान खटाई में नहीं बनती वो जायका कहीं ना कहीं मिस हो जाता है जो मार्केट में मिलता है और आप ये नान खटाई बेच के ना बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी कमा सकते हैं रियल रेसिपी बाहर वाली मार्केट वाली ओरिजिनल रेसिपी नल नीइस किचन में देखें कैसे बनाया एक बोल लेंगे और उसमें मैं डालूंगी एक कप मार्जरीन मैं 150 ग्राम इस्तेमाल कर रही हूँ मेजरमेंट ये रहेगा जिस भी कप से आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसी से सारा मेजरमेंट होगा यानी कि एक कप अगर आप मार्ज, मार्जरीन ले रहे हैं यानी कि वनस्पति उसी कप से आप मैदा और शुगर भी नापेंगे अब मैं उतने ही शुगर ले रही हूं पिसी हुई शुगर है आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें अब हमें इसे तकरीबन डबल होने तक फेटना है काफी फ्लफी हो गया है अच्छे से चीनी और माजरीन यानी कि वनस्पति मिक्स हो चुका है अब इसके अंदर डालेंगे हम मैदा मैदा उतना ही लेंगे जितना कि हमने माजरीन यानी वनस्पति और शुगर लिया था तो तीनों जो है इक्वल पोर्शन में लेंगे इक्वल रेशियोज में लेंगे अब इसके अंदर वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो नान खटाई में प्रोफेशनल्स डालते हैं ये है अमोनिया तो मैं यहाँ 2.5 अमोनिया लेंगे और इससे ही उसके अंदर जाली और आप देखेंगे एक अंदर छेद सा बन जाता है वही असली नान खटाई की पहचान होती है वन टी लेंगे बेकिंग पाउडर और फ्यू ड्रॉप मैं एसेंस यूज कर रही हूँ मैं यहाँ लेमन एसेंस यूज कर रही हूँ आप कोई भी एसेंस यूज कर सकते हैं अब इसको अच्छे से मिक्स करना है हमें अगर आप इस वनस्पति का नाम जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके लिखें वैसे आप वनस्पति में डालडा बटर और ये नान खटाई देसी घी से भी बन सकती है लेकिन जो मार्केट में नान खटाई मिलती है ना बिल्कुल उसकी रेसिपी यही है ये देखिए दो से तीन मिनट लगा इसको ऐसे गूथने में ये देखिए अच्छे से मिल चुका है हमारे सामने ये नान खटाई का डो बन के छोटे छोटे काटेंगे ये बेकिंग ट्रे है और इसके अंदर छोटी छोटी इस तरीके से लोई बनाएंगे इस तरीके से गोल करेंगे और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे बहुत ही हल्का सा और इसी तरीके से सारी नान खटाई बना लेंगे बाजार की नान खटाई इक्वल वेट में होती है तो आप कोई भी स्पून ले लें और उसके हेल्प से आप ये नान खटाई बराबर वेट में बना सकते हैं और आप चाहें तो वेट मशीन ले लें और उस पर एक एक पेड़ा डालते जाएं और उसका वेट लेते जाएं और इसको जरा सा दबा दें जैसे ये नान खटाई रेडी हो गई है अब इसके ऊपर थोड़ी सज्जा करेंगे और पिस्ता के फ्लेक्स इसके ऊपर डालेंगे आप चाहें तो काजू की कतरन या एलमंड फ्लेक्स बादाम के फ्लेक्स भी डाल सकते हैं अब इस नान खटाई को प्री हीटेड माइक्रोवेव में मैं कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे 13 से 14 मिनट के लिए रखूंगी प्री हीटेड है 14 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड पे मैं रख रही हूँ और ये गई हमारी नान खटाई गर्मा गर्म नान खटाई बन के रेडी हो गई है इसको थोड़ा ठंडा होने दे रूम टेम्परेचर पे आने दे तभी छुए अगर आप गर्म गरम टच करेंगे ना तो ये टूट जाएंगी नान खटाई की पहचान यही होती है कि ये ऊपर से ब्रेक हो जाती है यानी कि ये क्रैक्स आ जाता है और अच्छी नान खटाई बन के अब रेडी है थोड़ा ठंडा होने के बाद अब मैं आपको इसको पीछे से दिखाती हूँ हर एक नान खटाई बहुत ही स्वादिष्ट क्रंची और बहुत सॉफ्ट है मैं एक नान खटाई अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना ऊपर से सॉफ्ट है और क्रंची भी उतना ही है अब एक नान खटाई आपको काट के दिखाती हूँ कि इसके अंदर कैसी जाली पड़ती है ये देखिए जिस जाली की मैं बात कर रही थी ना जो नान खटाई के प्रेमी है ना वो समझ गए होंगे ये देखिए कितना स्वादिष्ट क्रंची हमारी नान खटाई बन के रेडी है इसको स्टोर करके ना आप कम से कम तीन चार महीना रख सकते हैं इवन मैं तो छह महीने तक मैंने देखा है कि दुकानदार स्टोर करके रखते हैं अच्छा लगे ना वीडियो फटाफट सब्सक्राइब करें ये देखिए बिल्कुल कितना खस्ता बना है इसको बोलते हैं ओरिजिनल नान खटाई की रेसिपी जो कि अब नलिनीज किचन में है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब के ऊपर ऑल का बटन है उसे प्रेस करें मेरे एवरीडे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे आपको बैक टू तो बैक नलिनी किचन में बेकरी उत्पादों को कैसे ओरिजिनल स्टाइल में बनाएं जो बेकरी वाले अपनाते हैं वो तरीका आपको नलिनी किचन में अब बैक टू तो बैक, तो बैक रेसिपीज के थ्रू मिलेगा स्टेट नलिनी किचन आपकी नलिनी अभी के लिए इजाजत चाहती हूँ नमस्कार